हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 15,000 से लेकर 16,000 के बीच में आने वाले कुछ बेस्ट 5G स्मार्टफोन के बारे में। और राइट नाउ फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर साल की सबसे बड़ी सेल भी शुरू हो गई है, तो अभी आपको स्मार्टफोन के ऊपर काफी अच्छे डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन, जो कि आपको मिल जाएगा 16,000 के आसपास। बाकी इन 5 स्मार्टफोन में आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएगा, जैसे कि 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। 5 में से 3 स्मार्टफोन के अंदर OS कैमरा देखने को मिलेगा एंड सुपर एमोलेड 120Hz वाला डिस्प्ले तो होगा ही। तो ऐसे में अगर आपका भी बजट 15,000 से 16,000 के बीच में है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो इसलिए हमने इन 5 स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया है। तो हम शुरू करेंगे लास्ट के नंबर से, नंबर 5 से। एंड नंबर 5 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। दोस्तों, इस फोन का नाम है मोटो G54 5G। 14,000 से 15,000 के बीच में ही मिल जाएगा ये फोन आपको। चलिए जल्दी से डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो दोस्तों, इस फोन का बैक पैनल PMMA मटेरियल से बना हुआ है, विच इज स्लाइटली बेटर देन द प्लास्टिक। 8.9mm की थिकनेस है, मतलब थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, एंड 192g वेट है। IP52 की रेटिंग भी मिल जाती है, विच मीन्स हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा ड्यूल स्टीरियो स्पीकर डॉल्बी एटमॉस वाला, एंड स्पीकर की आउटपुट काफी अच्छी है। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन MIUI UX। तो UI काफी हद तक नीट एंड क्लीन मिलेगा आपको। इस फोन को 1 ईयर तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। एंड मोटो का फोन है तो थिंग शील्ड की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है आपको। चलिए इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स भी जानते हैं जल्दी से। तो इस फोन में लगा हुआ है 6000mAh की मैसिव बैटरी, जो कि सपोर्ट करती है 33W फास्ट चार्जिंग को। तो नॉर्मल यूज में 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में लगा हुआ है 6.5 इंचेस की Full HD+ IPS डिस्प्ले। 120Hz फास्ट रिफ्रेश का सपोर्ट दिया गया है। 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है और 580 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले अच्छा है, IPS पैनल है, लेकिन पैनल की क्वालिटी काफी अच्छी है। मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए अच्छा है, क्योंकि ड्यूल स्टीरियो स्पीकर भी है। खैर, कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में 2 कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50MP का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकेंड कैमरा 8MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। रियर कैमरे से 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16MP का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से भी 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा। OIS होने की वजह से लो लाइट में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है ब्रांड न्यू MediaTek Dimensity 7020 वाला 5G चिपसेट। ये एक बिल्कुल न्यू चिपसेट है, जो कि 6nm पर बना हुआ है। 4.5 लाख से ऊपर अंतुतु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। तो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, आराम से आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं इस फोन से। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 14 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा। 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस की बात करें तो राइट नाउ 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 14,000 रुपीज देने होंगे। बाकी 1,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो बेस वेरिएंट बैंक ऑफर के साथ 13,000 के नीचे मिल जाएगा। तो प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कमाल का फोन रहेगा। खैर, ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। बात करें फोर्थ नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, इस फोन का डिजाइन काफी अच्छा है। वैसे ये एक ऑलराउंडर पैकेज है। इस फोन का नाम है Realme 11 5G। यूजली इस फोन का प्राइस 18,000 से लेकर 19,000 के बीच में होता है, बट अभी आपको 16,000 के नीचे ही मिल जाएगा, वो भी बिना किसी ऑफर और डिस्काउंट के। एंड 16,000 के आसपास देखोगे तो बहुत ही कमाल का फोन रहेगा ये भी। चलिए जल्दी से जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो डिजाइन वाइज काफी अच्छा रहेगा ये फोन। बैक पैनल प्लास्टिक से बना हुआ है और फ्रेम भी प्लास्टिक का ही है। 8.1mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन है, एंड 190g वेट है। तो ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी अच्छा है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर और स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब 2 5G सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर यूज कर सकते हैं। और बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन Realme UI 4.0। Realme इस फोन को 2 ईयर्स तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट देने वाला है एंड 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000mAh की बैटरी,
और साथ में 67 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो बैटरी काफी तेजी से चार्ज हो जाएगा और एक दिन का बैटरी बैकअप भी इजीली दे ही देगा ये फोन आपको। बात करें डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में लगा हुआ है 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट है एंड अप टू 680 नीट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले अच्छा है, साइड के बेजल्स वगैरह काफी कम है, बाकी कंटेंट वॉचिंग के लिए तो है ही अच्छा। कैमरा की बात करें तो बैक साइड में दो कैमरा है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 मेगापिक्सल का है और सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और ये डेप्थ कैमरा है। रियर कैमरे से 1080p में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, इस कैमरे से भी फुल एचडी में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल दोस्तों इस फोन का जो मेन कैमरा है अच्छे से परफॉर्म कर लेता है, डेलाइट में काफी सही फोटो देखने को मिल जाती है, बाकी अगर अल्ट्रा वाइड लेंस होता तो ज्यादा बेहतर रहता। परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में लगा हुआ है मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 वाला प्लस 5G चिपसेट। ये एक न्यू चिपसेट है जो कि 6nm पर बना हुआ है, 400,000 से ऊपर अंतुदु स्कोर आता है, साथ में ही UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला RAM है, तो नॉर्मल यूज में परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा, मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो 9 5G बैंड का सपोर्ट दिया गया है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट है। प्राइस की बात करें तो राइट नाउ 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 16,000 रुपए हैं। हाँ, फ्लिपकार्ट पर आपको 17,000 के आसपास दिखेगा प्राइस, लेकिन जैसे आप बाय नाउ पर क्लिक करोगे इस फोन का प्राइस 16,000 के आसपास हो जाएगा। ध्यान रहे 1,000 से 1,500 का अलग से और बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। बाकी अगर आपको ये फोन 15 से 16,000 के बीच में मिलता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, काफी सही फोन है। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। बात करें तीसरे नंबर के स्मार्टफोन के बारे में, तो गाइस नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है इस फोन का भी कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, इसके अलावा डिजाइन और डिस्प्ले भी काफी सही है। इस फोन का नाम है IQ Z7S 5G। नॉर्मली इस फोन का प्राइस 19,000 के आसपास होता है, लेकिन अभी आपको 16,000 के आसपास ही मिल जाएगा। चलिए जल्दी से जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से, तो दिखने में ये फोन काफी प्रीमियम है, हालांकि कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, सिर्फ 7.8mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन रहेगा एंड 172 ग्राम वेट है, तो वेट भी ज्यादा नहीं है और IP54 की रेटिंग भी मिल जाती है, सो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा। बाकी ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छा रहेगा ये फोन। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इस फोन में आपको मिलेगा सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर एंड स्पीकर की आउटपुट अच्छी है। हाइब्रिड सिम स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और बायोमेट्रिक के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन फन टच ओएस 13। इस फोन को 2 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। चलिए अब जान लेते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो इस फोन में लगा हुआ है 4500 mAh की बैटरी और साथ में ही 44 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। कैजुअल यूज में एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो इस फोन में लगा हुआ है 6.38 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आता है, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट दी गई है एंड अप टू 1300 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है, जिससे आपको आउटडोर यूजेस में भी ब्राइटनेस इशू नहीं होगा। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले आपको अच्छा मिलता है, काफी ब्राइट डिस्प्ले है और एमोलेड पैनल है जिसकी वजह से कंटेंट वॉचिंग के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन इस नॉच की वजह से थोड़ा सा पुराना फील करा सकता है ये फोन आपको। कैमरा के बारे में बात करोगे तो पीछे की तरफ 2 कैमरा दिया गया है जिसमें से प्राइमरी सेंसर 64 मेगापिक्सल का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है, सेकंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और ये डेप्थ कैमरा है। रियर कैमरे से फुल एचडी में 60 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से फुल एचडी में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का रहेगा, मेन कैमरा काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है लगभग हर सिचुएशन में, कैमरा से आपको ज्यादा इशू नहीं होगा, वैसे अल्ट्रा वाइड लेंस होता तो और अच्छा रहता। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 695 वाला 5G चिपसेट। अब ये एक काफी स्टेबल चिपसेट है, 6nm पर बना हुआ है और 400,000 से ऊपर अंतुदु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला RAM है, तो परफॉर्मेंस भी आपको इशू नहीं होगा, नॉर्मल यूज में कोई लैग और जिटरिंग इशू देखने को नहीं मिलता है, मीडियम सेटिंग में गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 6 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट मिल जाएगा, 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.1 वर्जन का सपोर्ट है। फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए 17,000 रुपीज है, एडिशनली 1,500 से 2,000 रुपए तक का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा, तो कुल मिलाकर इस फोन को आप 15,000 के आसपास ही बाय कर सकते हैं एंड इस प्राइस पर बहुत ही कमाल का फोन रहेगा। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स। और हाँ दोस्तों, नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक फिलहाल सॉलिड स्मार्टफोन डील रहेगा,
जी हाँ, इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी F34 5G या फिर सैमसंग गैलेक्सी M34 5G। ये दोनों फोन बिल्कुल सेम है। आमतौर पर इस फोन का प्राइस 18,000 से ऊपर ही होता है, लेकिन अभी आपको बिना किसी ऑफर और डिस्काउंट के 16,000 के नीचे ही मिल जाएगा। चलिए जल्दी से जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो इस फोन का जो बैक पैनल है पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है, मीन्स प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.8 mm की थिकनेस है एंड 208 ग्राम वेट है। बाकी ओवरऑल डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब 2 5G सिम या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड लगा पाएंगे। और हाँ, ये फोन सिंगल स्पीकर के साथ आता है, बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ आता है ये फोन, बेस्ड ऑन One UI 5.1। अच्छी बात ये है कि इस फोन को 4 साल तक मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 5 साल तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। और सैमसंग का फोन है तो ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। चलिए अब जानते हैं कुछ मेन फीचर्स। तो इस फोन में लगा हुआ है 6000 mAh की बड़ी बैटरी और साथ में ही 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। नॉर्मल यूजर्स में 1 से 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप इजीली दे देगा ये फोन आपको। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, बॉक्स के अंदर अडेप्टर नहीं दिया गया है। खैर, बात करें डिस्प्ले के बारे में तो इस फोन में लगा हुआ है 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। 240Hz की टच सैम्पलिंग रेट दी गई है एंड अप टू 1000 nits तक की पीक ब्राइटनेस में मिल जाती है। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा है। सैमसंग का एमोलेड पैनल है तो क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है, लेकिन इस नॉच की वजह से थोड़ा सा आउटडेटेड लग सकता है आपको। वैसे कैमरा के बारे में बात करें तो बैक साइड में 3 कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 50 MP का है और ये OIS सपोर्ट के साथ भी आता है। सेकंड कैमरा 8 MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा 2 MP का है और ये मैक्रो लेंस है। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी फ्रंट में 13 MP का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से फुल HD में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ओवरऑल इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है प्राइस के अकॉर्डिंग। डे लाइट में काफी अच्छे से परफॉर्म कर लेता है और OIS होने की वजह से लो लाइट फोटोग्राफी भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको कैमरा के लिए फोन चाहिए 20,000 के नीचे, तब भी ये फोन आपके लिए अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है सैमसंग का ही Exynos 1280 वाला 5G चिपसेट। इस चिपसेट को आप स्नैपड्रैगन 695 इतना मान सकते हैं। 5A नंबर बना हुआ है और 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर आता है। इसके अलावा UFS 2.2 वाला स्टोरेज, NLPDDR4X वाला रैम है। सो नॉर्मल टास्क में परफॉर्मेंस आपको ज्यादा इशू नहीं होगा, कैजुअल लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बट ये एक गेमिंग फोन नहीं है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। कनेक्टिविटी की बात करें तो ये फोन 11 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4G प्लस का सपोर्ट अवेलेबल है, 12 बैंड वाईफाई आता है, वाईफाई कॉलिंग है एंड ब्लूटूथ 5.3 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है, NFC भी है। प्राइसिंग की बात करें तो राइट नाउ 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 16,000 rupees है और 1500 तक का बैंक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। खैर, ये रहे प्रोज एंड कॉन्स। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं लास्ट स्मार्टफोन के बारे में। तो गाइस, नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये एक ट्रूली ऑलराउंडर फोन है। जी हाँ, इस फोन का नाम है पोको X5 Pro 5G। नॉर्मली इस फोन का प्राइस 20,000 से ऊपर ही होता है, लेकिन अभी ये फोन आपको 16 से लेकर 17,000 के बीच में ही मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर ये भी एक बहुत ही कमाल का फोन है। चलिए जल्दी से डिटेल में जानते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है, 7.9 mm की थिकनेस है, मतलब पतला फोन है एंड 181 ग्राम वेट है। ऑल्सो IP53 की रेटिंग भी मिल जाती है, तो हल्का फुल्का डस्ट एंड स्प्लैश प्रूफ भी रहेगा ये फोन। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं तो इस फोन में आपको मिलता है ड्यूल स्टीरियो स्पीकर और स्पीकर की आउटपुट अच्छी है और 3.5 mm का जैक अवेलेबल है, जो कि अच्छी बात है। इस फोन में आप 2 5G सिम लगा सकते हैं, लेकिन SD कार्ड नहीं लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है और पोको का फोन है तो आयर ब्लास्टर तो मिल ही जाएगा आपको। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 पर रन करता है ये फोन, बेस्ड ऑन MIUI 14। इस फोन को 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और 3 ईयर्स तक सिक्योरिटी पैच अपडेट। बात करें कुछ मेन फीचर्स के बारे में तो बैटरी के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है 5000 mAh की बैटरी और साथ में ही 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। मिक्स यूजर्स में 1 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। चलिए डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में लगा हुआ है 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस 10 bit वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया गया है, 360Hz की टच सैम्पलिंग रेट मिल जाती है और 900 nits तक की पीक ब्राइटनेस भी दी गई है। तो ओवरऑल डिस्प्ले के अंदर कोई कटौती नहीं की गई है, कंटेंट वॉचिंग के लिए काफी सही रहेगा। कैमरा के बारे में बात करें तो रियर साइड में 3 कैमरा दिया गया है, जिसमें से प्राइमरी सेंसर 108 MP का है, साथ में सेकंड कैमरा 8 MP का है, जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और थर्ड कैमरा भी मिल जाएगा 2 MP का। रियर कैमरे से 4K में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 16 MP का कैमरा दिया गया है, इस कैमरे से 1080p में 30fps तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस फोन का जो ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस है वो डिसेंट टाइप का है।
मतलब अच्छे लाइटिंग कंडीशन में सही परफॉर्मेंस निकाल कर दे देता है, इवन लो लाइट में भी सही फोटो आ जाते हैं। खैर परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस फोन में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 778G वाला 5G चिपसेट। अब ये एक काफी स्टेबल चिपसेट है, 6N पर बना हुआ है और 5 लाख से ऊपर अंतत्व स्कोर आता है। साथ में UFS 2.2 वाला स्टोरेज एंड LPDDR4X वाला रैम है। सो नॉर्मल यूजर्स में परफॉर्मेंस से कोई इशू नहीं होने वाला है, आपको आराम से आप मीडियम टू हाई लेवल की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, साथ में 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिल जाएगा, वाईफाई 6 आता है, वाईफाई कॉलिंग है और ब्लूटूथ 5.2 वर्जन का सपोर्ट दिया गया है। प्राइस की बात करें तो 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज के लिए 18,000 रुपीज है फिलहाल, और 1500 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट भी मिलेगा। तो 16 से 17 हज़ार के बीच में बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है ये, एब्सोल्युटली बाय कर सकते हो। ये रहे इस फोन के भी प्रोज एंड कॉन्स। तो गाइज यही थे इस लिस्ट के टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन, जो कि आपको मिल जाएगा 16,000 के आसपास। प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है हमेशा, बेस्ट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है तो देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।